ये लड़का इसी जंगल में रहता है जहाँ पर बहुत से जानवर थे। उसी में एक काला पैंथर था जिसका नाम अजगर था और इनमें सभी भेड़ियों का एक सरदार था। इन भेड़ियों ने ही मिलकर इस लड़के को पाला था और ये भेड़िया इस लड़के को अपना बेटा मानती है। लेकिन कुछ महीनों बाद यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है जिससे यह सुंदर धरती पूरी तरह से सूख जाती है, जहाँ पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं थी। लेकिन वहीं पर एक जानवर था, उसे बड़े से गड्ढे के अंदर पानी दिखाई देता है। वो सभी जानवरों को चिल्लाकर बताता है और सभी जानवर एक साथ प्रेम भाव से मिलकर पानी पीने आते हैं। और यहाँ पर वो लड़का भी आता है जिसको देखकर सभी जानवर हैरान थे क्योंकि इन्होंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। ये सभी इस लड़के को जानवर समझ रहे थे जो दो पैरों पर चल रहा था और इसके पानी पीने का तरीका भी देखकर सभी जानवर हैरान थे। तभी भेड़ियों के सरदार ने देखा कि आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। वो लड़के को अपने पीछे आने को कहता है और तभी वहाँ पर जंगल का सबसे खूंखार टाइगर आता है जिसका नाम अधीरा था। सभी जानवर इसको देखकर पीछे हटने लगते हैं और अधीरा को किसी इंसान की महक आती है। वो समझ गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है, लेकिन ये सभी भेड़िए कहते हैं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा। अब ये अजगर कहता है कि उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, तुम सबके लिए आज का दिन अच्छा होगा और एक नई जिंदगी मिल जाएगी। तभी उस लड़के की भेड़िया माँ कहती है कि वो मेरा बेटा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दुम दबाकर चले जाओ। और अजगर इनको धमकी देता है, कहता है कि उस लड़के को मैं मार डालूंगा, और यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पर बरसात होती है जो कई दिनों तक हुई थी और यहाँ पर सभी भेड़िए सरदार से कहते हैं कि हमें उस लड़के को उसकी दुनिया में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो लड़का अजगर क्या तो मारा जाएगा। तभी वहाँ वही लड़का आता है, कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सभी भेड़िए उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब मुसीबत में पड़ो। लेकिन वो भेड़िया माँ कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और बाकी के भेड़िए उस लड़के को यहाँ से भगाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर काला पैंथर आता है, कहता है कि यही ठीक रहेगा, ये लड़का यहाँ से चला जाए। अब लड़का अपनी माँ से आखिरी बार अलविदा लेता है और यहाँ से जाने लगता है। ये भेड़िए उस टाइगर अजगर का सामना भी नहीं कर सकते थे। अब ये पैंथर इस लड़के को शहर की तरफ लेकर जाता है, लेकिन तभी पैंथर को कुछ महसूस होता है, यहाँ पर वो टाइगर अजगर आ चुका था। अब बघीरा लड़के को घाटी की तरफ भागने को कहता है, तभी टाइगर उस पर अटैक करता है लेकिन बघीरा टाइगर को लपेट लेता है और लड़का पूरी जान लगाकर यहाँ से भाग रहा था। बघीरा इस टाइगर का ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकता था और टाइगर बघीरा को मार गिराता है। अब वो टाइगर लड़के का पीछा करता है। लड़के की जिंदगी पूरी तरह से खतरे में थी, टाइगर इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। लेकिन तभी भैंसों की भगदड़ में टाइगर फंस जाता है और लड़का चट्टान से नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी भैंसों का झुंड आता है, लड़का खुद को भैंसों से बचाता है और ऊपर वही टाइगर लड़के को ढूंढ रहा था। तभी लड़का टाइगर की तरफ देखता है, टाइगर ने भी लड़के को देख लिया था। लेकिन तभी लड़का एक भैंस की सिंग को पकड़ लेता है और भैंसों की भगदड़ की वजह से वो लड़का आज बच गया था। टाइगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अब वो टाइगर इन्हीं भेड़ियों के पास आता है। टाइगर भेड़ियों के सरदार के पास जाता है और बैठ जाता है। टाइगर कहता है कि मैंने उस दिन तुम सबको कहा था कि उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, लेकिन भेड़ियों का सरदार कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है, उससे हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। सभी भेड़िए टाइगर को घूर रहे थे। तभी टाइगर खड़ा होता है और कहता है कि इसकी सजा बहुत ही घातक होगी। अब ये टाइगर भेड़ियों के सरदार की गर्दन को तोड़कर फेंक देता है। सभी भेड़िए बहुत ज्यादा डरे हुए थे, टाइगर ने इन भेड़ियों की जगह पर कब्जा कर लिया था। वो कहता है कि ये तो तुम्हारे साथ होना था, तुम सबने बहुत बड़ी गलती करी उस लड़के को यहाँ से भेजकर। और यहाँ पर वही लड़का एक भैंस के ऊपर लेटा हुआ था, वो भैंस चट्टान के किनारों से होकर गुजर रही थी। तभी लड़के को होश आता है, उसने देखा कि वो चट्टान खिसक रही थी जिससे सभी भैंसे बौखलाने लगती है। तभी लड़का वहाँ से नीचे कूद जाता है और पानी में जा गिरता है। लड़के ने एक सूखी लकड़ी को पकड़ा हुआ था, ये लड़का टाइगर से बच गया था। अब वो लड़का उसी लकड़ी के सहारे एक दूसरे जंगल में पहुंच जाता है जो बेहद ही डरावना जंगल था। रास्ते में लड़के को एक बड़े सांप की खाल मिलती है और आगे जाकर वो एक पेड़ पर फल देखता है। लड़का उस फल को तोड़ लेता है और बैठकर खाने लगता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा जानवर आता है, लड़का उस जानवर से बातें कर रहा था और उसे फल खाने के लिए देता है। तभी वहाँ पर और भी जानवर आते हैं, उसके फल को चुराकर भागने लगते हैं। लड़का उनका पीछा कर रहा था और वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आता है, उस सांप ने इस लड़के को बस में करके लपेट लिया था। लड़के को कुछ भी होश नहीं था, सांप उसको निगलने वाला था। तभी उस पर कोई बड़ा जानवर अटैक करता है और मोगली नीचे गिर जाता है। अब मोगली की आँख खुलती है तो उसके सामने एक बड़ा भालू था। मोगली उसे देखकर डर जाता है, लेकिन भालू कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये मोगली अब इसी जंगल में इन्हीं के साथ रहता है, यहाँ के जानवरों के साथ बातें करता है। और कुछ दिन बाद यहाँ पर मोगली को वही काला पैंथर मिलता है। मोगली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और तभी वहीं पास के गड्ढे में एक हाथी का बच्चा गिर गया था। मोगली उस बच्चे को गड्ढे से निकालने में हाथियों की मदद करता है। वो सारे हाथी मोगली से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अगले दिन मोगली पेड़ के ऊपर आराम से बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक बंदर आता है। ये बंदर मोगली को अपनी ही प्रजाति का समझ रहा था। तभी बहुत सारे बंदर उस मोगली को पकड़ लेते हैं और उसे उछाल उछाल कर फेंकने लगते हैं। ये बंदर इस मोगली को यहाँ से लेकर भाग रहे थे। बघीरा और भालू उन बंदरों का पीछा कर रहे थे। वो सारे बंदर मोगली को पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहे थे और तभी वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और मोगली ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर था जिसमें केवल बंदर रहते। अब मोगली उस कई साल पुराने मंदिर के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे पुराने जमाने के बर्तन पड़े हुए थे। और तभी उसके सामने एक बड़ा बंदर आता है, ये सभी बंदरों का उस्ताद था। ये बंदर मोगली से कोई रक्त फूल मांग रहा था, लेकिन मोगली कहता है कि मेरे पास कोई रक्त फूल नहीं है।
हैं और यहाँ पर भालू और बगीरा भी आ चुके थे। बंदर मोगली से कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझे वो फूल चाहिए। मोगली कहता है कि उस फूल के पास जाने से मुझे मना किया गया है। तभी बंदर को गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ पर भालू आ चुका था। भालू उस बड़े बंदर की झूठी तारीफ कर रहा था। बंदर को पता चल गया था कि ये झूठी तारीफ है, तभी वो भालू को पकड़ने के लिए कहता है। सभी छोटे बंदर भालू पर टूट पड़ते हैं और मोगली धीरे से बगीरा के साथ भाग रहा था। तभी एक बंदर उनको भागते हुए देख लेता है, वो चिल्लाकर सभी को बता देता है। सारे बंदर मोगली को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। बड़ा बंदर भी उस मंदिर से बाहर आ चुका था, जो देखने में बहुत ही विशाल था। वो बंदर मोगली को पकड़ रहा था, लेकिन मोगली यहाँ से कूदकर भाग जाता है और उस बड़े बंदर की वजह से वो पूरा मंदिर टूट जाता है। शायद वो बड़ा बंदर भी मंदिर में दबकर मर चुका था। सभी बंदर भागकर वहाँ से पत्थर को हटाने लगते हैं, बड़े बंदर को बाहर निकाल सके। बगीरा और भालू को लगता है कि मोगली भी नीचे दब चुका है, लेकिन मोगली अभी जिंदा था। मोगली को पता चल गया था कि भेड़ियों के सरदार को उस टाइगर ने मार दिया है। बगीरा ने मोगली से इस बात को छुपाया था, जिससे मोगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो भागकर फिर से उसी जंगल की तरफ जा रहा था, जहाँ से वो उस खूंखार टाइगर से बचकर आया था। मोगली एक पास के गांव में जाता है, वहाँ से एक आग की मसाल लेता है और अपने जंगल की तरफ भागता है। बगीरा और भालू मोगली को ढूंढ रहे थे। इस जंगल में सभी जानवरों को पता चल गया था कि मोगली वापस आ चुका है। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। मोगली भागते हुए आता है और कहता है कि शेर खान, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। इस छोटे से लड़के में बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ चुकी थी। तभी वहाँ पर शेर खान आता है, कहता है कि आखिर तेरी मौत यहाँ पर लेकर आई गई। तभी मोगली कहता है कि ये जंगल मेरा घर है और ये सब मेरे परिवार है। टाइगर कहता है कि तुम एक डरपोक इंसान हो और बिल्कुल अकेले भी हो। तभी वहाँ पर भालू आता है। भालू मोगली के साथ खड़ा था, बगीरा भी वहाँ पर आ चुका था। सभी जानवर मोगली के साथ खड़े थे। तभी शेर खान कहता है, तुम सबकी मौत आज मेरे हाथों ही लिखी है, और दौड़कर उनके ऊपर अटैक करता है। भालू शेर खान का मुकाबला करने के लिए तैयार था। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। भालू ने शेर खान को एक ही दांव में चित कर दिया था, लेकिन शेर खान उछलकर उस पर घातक हमला करता है, जिससे वो भालू मारा जाता है। सभी भेड़िए शेर खान की तरफ दौड़ते हैं और इनके साथ मोगली भी मुकाबला करने जा रहा था। तभी बगीरा मोगली को रोक लेता है, लेकिन मोगली कहता है कि मुझे जाने दो। बगीरा कहता है कि तुम एक इंसान हो और बेहतर होगा कि तुम दिमाग का इस्तेमाल करो। अब मोगली भागकर जंगल की तरफ जाता है और सभी भेड़िए शेर खान पर हमला करते हैं, लेकिन शेर खान बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसने बहुत से भेड़ियों को मार दिया था। तभी शेर खान ने देखा कि मोगली जंगल की तरफ जा रहा था। शेर खान दौड़कर मोगली के पीछे जा रहा था, लेकिन अब बगीरा की बारी थी। बगीरा शेर खान के पीछे दौड़ता है और उछलकर शेर खान को पकड़ लेता है, लेकिन ये बगीरा भी इस लड़ाई में कमजोर हो चुका था। टाइगर बगीरा को मार गिराता है और अब बगीरा को ये जान से मारने वाला था। तभी शेर खान पर एक भेड़िया अटैक करता है और तभी बहुत सारे भेड़िया उस शेर खान पर टूट पड़ते हैं। वो भेड़िए शेर खान को नोच रहे थे और मोगली जंगल के अंदर आता है, जहाँ पर पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, और वो भागकर एक सूखे पेड़ की तरफ जाता है। मोगली उस पेड़ की बेल को काट रहा था और यहाँ शेर खान भेड़ियों से छूटकर जंगल की तरफ भागने लगता है। मोगली ने पेड़ की बेल को काट लिया था, लेकिन यहाँ पर वो शेर खान आ चुका था। वो शेर खान पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। मोगली पेड़ के ऊपर जाता है, ये पूरा पेड़ सूखा हुआ था, जिसकी डाली कभी भी टूट सकती थी। और तभी मोगली पेड़ की डाली से दूसरे पेड़ के ऊपर चला जाता है। शेर खान यहाँ पर फंस गया था। तभी वो शेर खान नीचे कूद जाता है और दूसरी तरफ से मोगली की तरफ जाता है, और मोगली एक फंदा तैयार कर रहा था। वो फंदे को एक पेड़ की डाली पर लटका देता है, ये मोगली उस फंदे पर लटकना चाहता था। तभी वो शेर खान उस पर अटैक करता है, उसका पंजा मोगली की छाती पर लग जाता है। अब मोगली वहाँ से फटाफट ऊपर की तरफ भागता है। मोगली वहाँ से अब सूखे पेड़ की डाली की तरफ जाता है, लेकिन शेर खान मोगली के पीछे आ रहा था। और तभी वो शेर खान वहाँ से निकल कर बाहर आता है और मोगली से कहता है कि आखिर चिड़िया जाल में फंसी गई। शेर खान कहता है कि मैंने उस भेड़ियों के सरदार को भी मार डाला, जिसको तू अपना पिता कहता था। लेकिन मोगली शेर खान को एक ही बात कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मोगली शेर खान को उकसा रहा था ताकि वो उसके ऊपर हमला करे। तभी शेर खान को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन मोगली रस्सी को पकड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। और शेर खान अब इस पेड़ की डाली पर फंस चुका था। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी खुद को नहीं बचा सका। और इस कहानी में शेर खान मारा गया अपने अहंकार के कारण, और मोगली ने इस जंग को जीत लिया था। लेकिन मोगली अभी भी निराश था, क्योंकि इसके पिता को शेर खान ने मार डाला था। और यहाँ बगीरा भालू को शेर खान से मुकाबला करने के लिए शाबाशी दे रहा था। सभी जानवर ध्यान से देख रहे थे। मोगली उसी हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, जिस हाथी की मोगली ने जान बचाई थी। सभी हाथी मिलकर उस पानी के बांध को खोल देते हैं, जिससे उस पूरे जंगल की आग बुझ जाती है। और अब फिर से वो दिन लौट आए थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, और अब मोगली की माइंड भेड़ियों की सरदार बनती है।